चलिए हम लोग आज जो है हम लोग मैथमेटिक्स करेंगे और मैथमेटिक्स में हम लोग लीनियर अलजेब्रा करने वाले हैं और लीनियर अलजेब्रा में हम लोग जो चैप्टर करने वाले हैं जो हम लोग स्टार्ट करेंगे आज इसका नाम है मैट्रिक्स। हमने मैट्रिक्स कंप्लीट करना, मैट्रिक्स को हम लोग बेसिक से एडवांस की तरफ मूव करेंगे। तो हम लोग आज का जो हमारा क्लास होने वाला है ये कम्प्लीटली बेसिक है, बेसिक्स में हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए समझना होता है कि मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, मैट्रिक्स है क्या, मैट्रिक्स का मतलब क्या है। तो जैसे यहाँ पे हमने लिखा हुआ है यहाँ पे कि मैट्रिक्स है क्या, तो सिंपल सा अगर देखा जाए तो अरेंजमेंट ऑफ डाटा इन रेक्टेंगुलर फॉर्म। जो भी हमारा मैट्रिक्स है तो मैट्रिक्स कुछ नहीं होता है, तो सिंपल तरीके से देखा जाए तो जो भी हमारे पास डाटा अवेलेबल है, जो भी हमारे पास डाटा अवेलेबल है उसको रेक्टेंगुलर फॉर्म पे आपने अरेंज करना है। जो भी हमारे पास डाटा अवेलेबल है उसको हमको क्या करना है, रेक्टेंगुलर फॉर्म पे अरेंज करना ही मैट्रिक्स है। क्लियर है, मैट्रिक्स का मतलब सिंपल सी बात है, अरेंजमेंट ऑफ डाटा इन रेक्टेंगुलर फॉर्म। जो भी आपके पास मैट्रिक्स अवेलेबल है उसको हम लोग रेक्टेंगुलर फॉर्म पे अरेंज कर देते, रेक्टेंगल तो हम लोग समझते होंगे, रेक्टेंगुलर फॉर्म पे अरेंज करना ही मैट्रिक्स है। ये जो कॉन्सेप्ट हमारा है मैट्रिक्स का जो कॉन्सेप्ट है इसको सबसे पहले जेम्स सेलिस्टर ने सबसे पहले इंट्रोड्यूस करा था। ध्यान से दिमाग को रख लेंगे, जेम्स सेलिस्टर ने सबसे पहले इसको इंट्रोड्यूस करा था और 19th सेंचुरी में इस कॉन्सेप्ट के बारे में इंट्रोड्यूस किया गया था, यानी मैट्रिक्स के बारे में सबसे पहले जेम्स सेलिस्टर ने इंट्रोड्यूस करा था। लेकिन उन्होंने बस केवल इंट्रोड्यूस करा था, लेकिन इसके प्रॉपर्टीज इसमें काफी एक मतलब डिटेल चैप्टर में हम डिटेल में स्टडी करेंगे, तो इसको जो काफी इसके प्रॉपर्टीज के बारे में काफी इसको मतलब काफी डिटेल जो डिटेल व्यू जो प्रोवाइड करा वो ऑर्थर केली ने किया। तो हम लोग बोल सकते हैं कि इन्होंने तो इंट्रोड्यूस करा, जेम्स जो सेलिस्टर थे इन्होंने इंट्रोड्यूस करा मैट्रिक्स को, इन्होंने इंट्रोड्यूस करा लेकिन एक्सटेंड करा, एक्सटेंड किसने करा, ऑर्थर केली ने। ऑर्थर केली ने इनको काफी जो मैट्रिक्स का जो था इसको एक वाइड व्यू प्रोवाइड करा। तो हम लोग जैसे डेफिनेशन की बात कर रहे थे, तो मैट्रिक्स है क्या, तो सिंपल सा डेफिनेशन है हमारा अरेंजमेंट ऑफ डाटा इन रेक्टेंगुलर फॉर्म। तो सोचने वाली बात है यहाँ पे दो तीन वर्ड्स यहाँ पे हमने फोकस करने होंगे। सबसे पहले हमको यहाँ पे ध्यान देना होगा कि डाटा, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे हमने लिखा हुआ डाटा, तो डाटा यानी सिंपल सी लॉजिक, डाटा जो है डेटम वर्ड से आया हुआ है, जो डाटा होता है हमारे डाटा जो है डेटम वर्ड से आया हुआ है। और डेटम का मतलब अगर देखा जाए तो डेटम का मतलब होता है हमारा इन्फॉर्मेशन, जो हमारा डेटम होता है डेटम का मतलब होता है इन्फॉर्मेशन। अब इन्फॉर्मेशन हमारी कुछ भी हो सकता है, इन्फॉर्मेशन हमारा रियल नंबर भी हो सकता है और हमारा इमेजिन नंबर भी हो सकता है। देखिए नंबर क्यों बोल रहे हैं हम लोग, क्योंकि हम मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं मैथमेटिक्स, और मैथमेटिक्स को अगर सिंपल तरीके से डिफाइन करा जाए तो मैथमेटिक्स को हम लोग बोल सकते हैं स्टडी ऑफ नंबर्स। मैथमेटिक्स को हम लोग सिंपल तरीके से अगर बोल सकते हैं, सिंपली अगर सबसे सिंपल वे जो है डिफाइन करने का मैथमेटिक्स का, तो हम बोल सकते हैं स्टडी ऑफ नंबर्स। तो इसीलिए हम डाटा जो है हमारा डाटा यानी हम लोग नंबर्स के बारे में बात करेंगे, मेनली हम लोग नंबर्स के बारे में बात करेंगे, वेरिएबल्स भी आएंगे लेकिन हम लोग मेनली जो है हम लोग वेरिएबल्स के बारे में बात करेंगे और जो नंबर्स सॉरी नंबर्स के बारे में हम लोग मेनली बात करेंगे। और नंबर कुछ भी हो सकता है, हमारा रियल नंबर भी हो सकता है और हमारा इमेजिन नंबर भी हो सकता है। अब एक मन में बात आ सकती है कि रियल नंबर का मतलब क्या होता है, तो हम लोग सिंपल से अगर तरीके से देखा जाए तो रियल नंबर क्या होता है, वैसा कोई भी नंबर जिसका स्क्वायर पॉजिटिव है, सिंपल सी बात है, जिसका स्क्वायर जो है पॉजिटिव है उसको हम लोग बोल सकते हैं रियल नंबर। एक सिंपल सा डेफिनेशन अगर देखा जाए रियल नंबर क्या होता है, वैसा कोई भी नंबर जिसका स्क्वायर जो है वो पॉजिटिव है उसको हम बोल सकते हैं रियल नंबर। और सिंपल तरीके से देखा जाए इमेजिन नंबर क्या होता है, तो वैसा कोई भी नंबर जिसका स्क्वायर जो है वो नेगेटिव है। एक सिंपल सा अगर हम लॉजिकली देखा जाए कि नंबर क्या होता है, तो नंबर मतलब मैथमेटिक्स तो समझ आ गया स्टडी ऑफ नंबर्स। तो अरेंजमेंट ऑफ डाटा इन रेक्टेंगुलर फॉर्म, डाटा यानी डेटम, डेटम यानी इन्फॉर्मेशन, और हम लोग इन्फॉर्मेशन हम लोग मेनली नंबर्स के बारे में बात करेंगे। इन्फॉर्मेशन जो हमारे पास है यहाँ पे हमारा, हम लोग मेनली इसको नंबर्स के बारे में बात करना। नंबर दो तरह के हो सकते हैं, रियल नंबर भी हो सकता है और इमेजिन नंबर भी हो सकता है। अब यहाँ पे रियल नंबर क्या होता है, वैसा कोई भी नंबर जिसका स्क्वायर आपका पॉजिटिव है और वैसा कोई भी नंबर जिसका स्क्वायर निगेटिव है, ठीक है। अब देखिए यहां तक तो उम्मीद समझ आ गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं, मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज रिप्रेजेंटेशन। तो रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो अभी देखो यहाँ पे ध्यान से अरेंजमेंट हम लोग समझ पा रहे हैं, डाटा भी हमने समझा। अब यहाँ पे एक वर्ड आता है रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगुलर लिखा हुआ है, यानी अब हमने फोकस करना है रेक्टेंगल पे। अब जो हमको फोकस करना है वो हमारा है वर्ड रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल देखिए यहाँ पे हमने रेक्टेंगल ड्रॉ करा हुआ है। तो रेक्टेंगल में नॉर्मली दो चीजें होती है, ये होता है हमारा ब्रेथ, ये वाला जो पोर्शन होता है ब्रेथ, और ये वाला जो पोर्शन होता है लेंथ। अच्छा, और इसका हम लोग एरिया कैसे निकालते हैं, एरिया हम लोग जानते हैं लेंथ इनटू ब्रेथ से इसका हम लोग एरिया कैलकुलेट करते हैं। जो हमारा रेक्टेंगल होता है उसका हम लोग एरिया जो है लेंथ इनटू ब्रेथ से कैलकुलेट करके उसका हम लोग एरिया निकालते हैं। तो हमने करना क्या, हमने रिप्रेजेंटेशन सीखना है कि किसी भी मैट्रिक्स को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करें, हमने वही सीखना है, उसी पर हमको फोकस करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमारा रेक्टेंगल है इसको हम लोग क्या करेंगे, ये बीच से ये वाला जो पोर्शन है इसको हम लोग रिमूव करें, यहां से
बीच से जो हमारा पोर्शन है उसको रिमूव करें। तो जैसे ही अभी तक हमारे रेक्टेंगल था, अगर उसको ज्वाइन करें तो हमारा रेक्टेंगल हो जाता है, लेकिन जैसे ही हम लोग बीच का पोर्शन रिमूव कर रहे हैं, ये जो हमारा है ये इस प्रकार से बन जाता है, और इसको हम लोग बोलते हैं पैरेंथेसिस। अभी अगर इसको हम लोग फिर से रिपीट करते हैं, अगर इसको ज्वाइन कर देते हैं तो ये हमारा हो गया पूरा रेक्टेंगल, लेकिन जैसे हम लोग बीच का ये पोर्शन जो उसको रिमूव करते हैं तो हमारा इस प्रकार का ये बन जाएगा, और ये जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं पैरेंथेसिस। ठीक है, ध्यान समझेंगे, ये जो पोर्शन होता है हमारा इसको बोलते हैं हम लोग पैरेंथेसिस। तो अभी तक जैसे रेक्टेंगल में था तो ये ब्रेथ था और हमारा ये जो होता है लेंथ होता है, लेकिन जैसे हम लोग पैरेंथेसिस की बात करेंगे, जो हमारा ब्रेथ था, ये जो हमारा ब्रेथ था ये हमारा कन्वर्ट हो जाएगा रो में, यानी अब हमारा जो ब्रेथ था वो कन्वर्ट हो गया रो में, जो लेंथ था हमारा वो कन्वर्ट हो गया हमारा कॉलम में। ठीक है, अब हमारा जो एरिया होता है, तो हम लोग जानते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ इनटू ब्रेथ। देखिए यहां पे ये जो सिंबल है इसको हम लोग एज ए इनटू पढ़ते हैं, लेंथ इनटू ब्रेथ करके हम लोग इसको स्टडी करते हैं। ठीक है, तो हम लोग अब हमारा जो एरिया है वो हमारा कन्वर्ट हो जाएगा ऑर्डर में। ठीक है, एरिया जो हमारा है वो कन्वर्ट हो जाएगा ऑर्डर में। हम एक बार फिर से इन सारी चीजों को रिपीट करते हैं, ध्यान से समझते हैं। ये हमारा था रेक्टेंगल, हमने बीच के पोर्शन को रिमूव करा तो ये हमारा बन गया पैरेंथेसिस, यानी रेक्टेंगल कन्वर्ट हो गया हमारा, जो रेक्टेंगल था ये कन्वर्ट हो गया हमारा पैरेंथेसिस में। पॉली क्लियर है, जो हमारा ये हमारा पैरेंथेसिस होता है, ये हमारा पैरेंथेसिस में कन्वर्ट हो गया। जो हमारा ब्रेथ था, ये जो हमारा ब्रेथ है ये कन्वर्ट हो गया हमारा रूम में। जो लेंथ हमारा है, ये लेंथ हमारा कन्वर्ट हो गया कॉलम में। और जो हमारा एरिया है, ये एरिया हमारा कन्वर्ट हो गया ऑर्डर में, एरिया जो हमारा था वो कन्वर्ट हो गया हमारा ऑर्डर में। तो हम लोग जानते हैं एरिया यानी लेंथ इनटू ब्रेथ होता है, उसी प्रकार ऑर्डर यानी रो इनटू कॉलम। अब डिफरेंस क्या है दोनों में, यहाँ पे हम लोग इसको इनटू पढ़ते हैं, यानी लेंथ इनटू ब्रेथ बोलते हैं हम लोग, लेकिन यहाँ पे क्या है, हम लोग जब हम लोग ऑर्डर की बात करेंगे तो हम लोग रो बाई कॉलम पढ़ते हैं। तो यहाँ पे ध्यान से समझना होगा कि इसको हम लोग जब भी पढ़ेंगे, यानी पैरेंथेसिस की बात हम लोग जब भी करेंगे तो हम लोग कैसे इसको हम लोग पढ़ेंगे, रो बाई कॉलम करके पढ़ेंगे। यानी सिंपल सी बात है, रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं हम लोग, तो हम लोग रिप्रेजेंटेशन करते हैं पैरेंथेसिस के थ्रू। अगर हमको रिप्रेजेंट करना होगा तो हमने रिप्रेजेंट करना होगा मैट्रिक्स को पैरेंथेसिस के थ्रू, हम लोग यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। और हमें ध्यान में ये रखना है केवल कि जो रो है, जो हमारा ब्रेथ है वो रो हो जाएगा, जो हमारा लेंथ है वो हो जाएगा कॉलम, और जो हमारा एरिया है वो हमारा कन्वर्ट हो जाएगा ऑर्डर में। और जो हमारा यहाँ पे जो इनटू है वो हम लोग इनटू तो लिखेंगे, लेकिन उसको हम लोग रीड करेंगे एज ए बाई। ठीक है, तो हम लोग ऐसे करते हैं, पहली ये हो गया क्लियर। नॉर्मली क्या होता है कि हम लोग कोई भी मैट्रिक्स को, हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि किसी भी मैट्रिक्स को हम लोग किसी भी कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हमारा कोई भी मैट्रिक्स होता है तो मैट्रिक्स को हम लोग किसी भी कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे, तो हमने अभी देखा कि मैट्रिक्स को पैरेंथेसिस से करते हैं, तो ये हमारा हो गया पैरेंथेसिस। और यहाँ पे हम लोग ऑर्डर को लिखते हैं, ये जो होता है हमारा रो बाई कॉलम, अभी हमने ऊपर में देखा रो बाई कॉलम को हम बोलते हैं ऑर्डर, और ये हो गया हमारा ए। अच्छा, इसके अंदर हमारे जो भी यहाँ पे है इसको बोलते हैं हम लोग एलिमेंट्स, यानी पैरेंथेसिस हो गया ये हमारा पूरा, और ये जो पूरा सेटअप हो गया, इस पूरे सेटअप को हम लोग बोलते हैं मैट्रिक्स। ये जो पूरा सेटअप है, इस पूरे सेटअप को हम लोग बोलते हैं यहाँ पे, ये हमारा मैट्रिक्स है। ठीक है, ये जो पूरा सेटअप हो गया हमारा, इस सेटअप को हम लोग बोल रहे हैं मैट्रिक्स। ठीक है, अब हम लोग आगे मूव करते हैं। अब हम लोग, हमने देखा कि अब हमने क्या करना सीखना है कि मैट्रिक्स को हम लोग कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं, कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स को हम लोग कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो सबसे पहले हम मान लीजिए हमारे पास ऑर्डर है, हमारे पास ऑर्डर है 2x2 का, तो हमको एक मैट्रिक्स प्रिपेयर करना है। ऑर्डर हमारे पास 2x2 का है, तो हम लोग ये जानते हैं हमारा ये एम है और ये हमारा है एन। एम यानी हमको पता है ये हमारा रो है और ये हमारा है कॉलम। ठीक है, तो देखिये सबसे पहले हमको क्या करना है, ये कॉलम वाला है, कॉलम या जो डिग्राम को इधर, उसको उधर की तरफ ध्यान देना है और उसको इधर की तरफ मूव करना है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग जानते हैं कि मैट्रिक्स है, तो मैट्रिक्स को हम लोग एक कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। उसके बाद हम लोग को यहाँ पे एक पैरेंथेसिस ड्रॉ करना है या हमने उसका ऑर्डर लिखना है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है, सबसे पहले आपको इस पे ध्यान देना है, यानी इस दो पर ध्यान देना, यानी हमें ऐसे मूव करना है A11 और इधर हो गया हमारा A12। फिर ये हो चुका है, अभी हमको नीचे तरफ आना है, ये 11 हो चुका है, हमें नीचे तरफ आना है, यानी A21 और इधर हो गया हमारा A22। फिर अगर हमने यहाँ पे मिले, प्रॉब्लम हो सकता है इस तरह से कि 3x3 का मिल जाए, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ए लेंगे, हम लोग सबसे पहले फिर यहाँ पे पैरेंथेसिस ड्रॉ करेंगे, हम लोग यहाँ पे लेंगे 3x3, यहाँ पे लिखेंगे 3x3। आपने पता होना चाहिए कि इसको हमको उधर की तरफ देखना है 3, यानी पहले हम लोग लिखेंगे A12 और ये हो गया हमारा A13, और इसको हम लोग नीचे की तरफ ध्यान देना, A11 तो हो चुका है, और हमने लिखना A21 और यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे A31। इसको हम लोग कम्प्लीट कर लेंगे, A21 है, A22 हो गया, ये A23 हो गया, इधर हो गया हमारा A32, इधर हो गया हमारा A33, ये हो गया हमारा। इसी प्रकार से
आपको ऑर्डर कुछ भी मिल सकता है आपको. सपोज मान लीजिए आपके पास ऑर्डर है 3/4 का, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले पैरेंथेसिस ड्रॉ करना है, यहाँ पे आपको ऑर्डर लिखना है और आपको 4 पर फोकस करना, 4 पे. यानी हम लिखना पहले A11, A12, इधर हो गया हमारे पास A13, इधर हो गया हमारे A14. ये हमने अभी इसको नीचे की तरफ देखना है, 3 तक आना है, 11 तो हो चुका है, यानी हमको 21 भी लेना है और हमने 31 भी लेना है. और इसको हम लोग कम्प्लीट करेंगे, 81 हो चुका है, A22, ये हो गया A23, इधर हो गया हमारा A24, इसको भी हम लोग कम्प्लीट करेंगे, A32, A33 और इधर हो गया हमारा A34, ये हमारा कम्प्लीट होता है. यहाँ से यहाँ पे लेके देखते हैं, ठीक है. तो हमने एक और क्वेश्चन देता हूँ, तो सपोज हमारे पास मान लीजिए कि हमारे पास एक क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स ऑफ 2 बाई 3 इन सच अ वे दैट Aij इज इक्वल टू 2i-j. ठीक है, इस तरह से हमारे पास एक क्वेश्चन मिला होगा आपको और आपको सॉल्व करना है. तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ए लिख लेंगे, आप ए बी सी कुछ भी लो, आपके ऊपर डिपेंड करता है. फिर हमने एक पैरेंथेसिस ड्रॉ करना है, फिर हमने इसका ऑर्डर यहाँ पे लिख देना है, यानी 2/3 जिसका ऑर्डर है वो हमने ऑर्डर का लिख देना है. फिर आपको पता है कि 2/3 का हम लोग मैट्रिक्स कैसे प्रिपेयर करते हैं, हम लोगों के लिए मैट्रिक्स प्रिपेयर करना है. तो 3 को इधर की तरफ मूव करना है और 2 वाले को इधर की तरफ नोटिस करना है हमने 3. तो 3 पे पहले फोकस करेंगे हम, सबसे पहले 3 पे A11, A12 और इधर आ गया हमारे पास A13 और ये हमारा 2 है, यानी A21, ये A22 और इधर हो गया हमारा A23. तो हमने मैट्रिक्स प्रिपेयर कर लिया. तो हमने क्या करना है, 1/1 करके सारी चीजों को निकालना. लेकिन फिर से बताते हैं ये है क्या, ये मेनली एलिमेंट्स इस पैरेंथेसिस के अंदर जो भी एलिमेंट्स है ये बताता है कि ये जो भी हमें दिया हुआ कि एलिमेंट्स किस प्रकार से, किस बेसिस पर वहां पे एलिमेंट्स आए हुए हैं. तो आप इसको बोल सकते हो कि किस एक मशीन है और इस मशीन का यूज करके जो भी प्रोडक्ट्स आ रहे हैं वो एलिमेंट्स के रूप में हमको दिखाई दे रहे हैं. ठीक है, तो हम लोग बारी बारी से A11 निकालना हमने, A12 निकालना है, A13 निकालना है, A21, A22 और हमने A23 को कैलकुलेट करना है. और आपके पास ये हमने पता है कि ये आई और ये जे, ये आई जे, आई जे, ये आई और जे, हमने मतलब बारी बारी सब निकालना है. ठीक है, तो वैल्यू आपने कुछ नहीं करना, वैल्यू पुट करो आपके आई और जे की वैल्यू पुट कर दो आपने. तो 2 × 1 − 2 ये 2, सॉरी ये कितना हो गया हमारा 1 आ गया. फिर हमने वही सेम 2 × ये आई की वैल्यू आपके पास कितनी है 1 है, 1 पुट करो आप, और जे की वैल्यू कितनी है 2, यानी हमारे पास आ गया 0. फिर आपने आई की वैल्यू आपके पास है 1 रखो आप, जे की वैल्यू आपके पास 3 रखो, नहीं -1 आ गया. फिर i की वैल्यू आपके पास 2 है, 2 रखो आप, j की वैल्यू आपके पास 1 है, 1 रखो आप, यानी हमारे पास आ गया 3. फिर आपके पास i की वैल्यू 2 और j की वैल्यू आपके पास 2 है, तो 4 − 2 यानी आपके आ गए 2. और फिर वही काम को यहां भी करना है और इधर आ गया हमारे पास -1. ठीक है, तो हमने जो भी हमारे पास डाटा मिला उसको हम लोग इस प्रकार से यहाँ पे इसको अरेंज कर देंगे. 1 आ गया हमारे पास, 0 आ गया, -1 आ गया, 3 आ गया, 2 आ गया और हमारे पास यहाँ पे -1 आ गया. तो हमने इस प्रकार से मैट्रिक्स हमने बना लिया. ठीक है, और इसका ऑर्डर आ गया 2/3. तो ये हमारा सॉल्यूशन आ गया, ये जो हमारा आया ये हमारा सॉल्यूशन हमें मिल गया. ठीक है, चलिए तो अभी हमने देखा. अच्छा, ये भी एक और टाइप का क्वेश्चन पॉसिबल है, उस पर थोड़ा हम समझते हैं. ठीक है, क्या पॉसिबल है कि अभी हमने देख रहा था, जिसे हम लोग समझते हैं, जिसे हमारे पास ए को यहाँ पे कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है, ये हमारे पास है 1, 2, 3, ये ए बी सी डी ई एफ जो भी हमारे पास, ये हमारे पास मैट्रिक्स है. तो इस मैट्रिक्स से हम लोग क्लियरली इसका हम लोग क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, हम लोग इसका ऑर्डर कैलकुलेट कर सकते हैं. यानी इसका ऑर्डर हमको दिख रहा है कि 3/3 है. यानी हमने यहाँ पे क्या देखा कि हमारे पास अगर मैट्रिक्स है तो इस मैट्रिक्स से हम लोग जो है वो ऑर्डर को डिटरमाइन कर पा रहे हैं. अगर हमारे पास मैट्रिक्स अवेलेबल है तो मैट्रिक्स हम लोग इजीली क्या कैलकुलेट कर पा रहे हैं, ऑर्डर कैलकुलेट कर पा रहे हैं. तो हमको ये सोचना है, क्या अगर हम लोग मैट्रिक्स से ऑर्डर कैलकुलेट कर पा रहे हैं तो क्या पॉसिबल है कि हम लोग ऑर्डर से मैट्रिक्स कैलकुलेट कर पाए. यानी अगर आपके पास ऑर्डर अवेलेबल है तो आप कितने मैट्रिक्स को प्रिपेयर कर सकते हो. ठीक है, तो इसके लिए हमको यहाँ पे एक नोट डाल के आपको लिख रहे हैं हम लोग यहाँ पे, इफ ऑर्डर इज m/n, अगर आपके पास जो ऑर्डर है, अगर ऑर्डर आपका m/n है, इफ ऑर्डर इज m/n देन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस, विल बी 2 to the power m by n.
एंड इसको सिंपली बोल सकते हो टू टू दी पावर ऑर्डर, ठीक है, सिंपली आप इसको बोल सकते हो टू टू दी पावर क्या जी ऑर्डर, ठीक है। हम लोग इस पे एक हम लोग क्वेश्चन लेते हैं, सपोज हमारे पास मान लेते हैं कि हमारे पास ऑर्डर जो है वो हमारे पास ऑर्डर है 3/3 का, और आपको पता करना है कितने मैट्रिसेस पॉसिबल है, यानी कितने भी आपके कितने आप इससे मैट्रिक्स बना सकते हो। तो हमने अभी देखा कि हमारे पास एक फॉर्मेट है टू टू दी पावर एम बाई एन, टू टू दी पावर एन बाई एन, यानी टू टू दी पावर 3/3 दैट इज टू टू दी पावर 9 दैट इज 512, एंड कितने मैट्रिसेस हम लोग पॉसिबल है, कितने मैट्रिसेस हम लोग सॉल्व कर सकते हैं बना सकते हैं, ठीक है। तो अगर हमारे पास मैट्रिक्स था तो मैट्रिक्स हम लोग ऑर्डर कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा था कि अगर हमारे पास ऑर्डर अवेलेबल है तो उस ऑर्डर से हम लोग मैट्रिक्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। एक हम इस पे एक और हम लोग क्वेश्चन करते हैं जिससे आपका जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, अच्छे से कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। उस पे हम एक और क्वेश्चन लेते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। सपोज मान लेते हैं हमारे पास ऑर्डर है, ऑर्डर हमारे पास 2/2 का, और आपको पता करना है कितने मैट्रिसेस पॉसिबल है, यानी पॉसिबल मैट्रिसेस आप कितने मैट्रिसेस बना सकते हो। तो अभी हमने देखा 2^2 ऑर्डर, यानी हमारे पास ऑर्डर जो है 2/2 दैट इज 4, और 4 यानी 16, यानी हम लोग 16 मैट्रिसेस जो है इससे हम लोग, ठीक है, 16 मैट्रिसेस हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। ये नोट हमारा 1 था, नोट पे थोड़ा ध्यान देंगे, ठीक है। एक हम लोग और नोट में करके लिखते हैं, ठीक है। अगर हमारे पास मान लीजिए इफ ऑर्डर इज एम एन, इफ ऑर्डर इज एम बाई एन, अगर हमारे पास जो ऑर्डर है वो एम बाई एन है, ठीक है, देन फाइंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स, आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैलकुलेट करना है। अगर आपके पास ऑर्डर अवेलेबल है तो आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैलकुलेट करना है, फाइंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। तो यानी सिंपल से हम बोल सकते हैं इफ ऑर्डर इज एम बाई एन देन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स विल बी एमएन, सिंपली आपने मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है, आपने सिंपली मल्टीप्लाई करके बता देना, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम लेते हैं, सपोज हमारे पास जो ऑर्डर है वो हमारे पास 3/3 है, तो कितने एलिमेंट्स पॉसिबल है, तो आपने सिंपली मल्टीप्लाई कर देना है 3/3 × 3 दैट इज 9, यानी 9 आपके एलिमेंट्स पॉसिबल है, ठीक है। हम लोग एक और क्वेश्चन यहाँ पे करते हैं, अगर हमारे पास जो ऑर्डर है वो 2/2 का है तो कितने एलिमेंट्स पॉसिबल है, तो 2/2 दैट इज 4, यानी टोटल आपके 4 जो है वो एलिमेंट्स पॉसिबल है। तो अभी हमने देखा इससे इस वाले में देखा हमने कि मैट्रिक्स से हमने ऑर्डर डिटरमाइन करा, फिर हमने ऑर्डर से मैट्रिक्स डिटरमाइन करा, और यहां पे हमने देखा कि हमने ऑर्डर से मैट्रिक्स कैलकुलेट करा, ऑर्डर से हमने एलिमेंट कैलकुलेट करा, अभी हमने देखा कि हमने ऑर्डर से एलिमेंट कैलकुलेट करा। तो क्या जब हम लोग ऑर्डर से एलिमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि हम लोग एलिमेंट से ऑर्डर फाइंड आउट करें, जब हम लोग एलिमेंट से ऑर्डर से हम लोग एलिमेंट जब कैलकुलेट कर सकते हैं तो ये भी पॉसिबिलिटीज है कि हम लोग एलिमेंट से ऑर्डर कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं जिससे आपका, ठीक है, जिससे कॉन्सेप्ट इसका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो मान लेते हैं हमारे पास एलिमेंट, यानी इफ नंबर ऑफ एलिमेंट, अगर हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट, इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इट्स 12 भी देते हैं, अगर हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट 12 है, देन फाइंड पॉसिबल ऑर्डर, देन फाइंड पॉसिबल ऑर्डर, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट जो है आपके पास यहाँ पे 12 है, तो आप कितने ऑर्डर आप बना सकते हो, कितने ऑर्डर पॉसिबल है। तो देखो ऑर्डर का मतलब क्या होता है, ऑर्डर का मतलब होता है एम बाई एन, यानी जो भी आपके पास डाटा है, जो भी आपके पास एलिमेंट है, उसको आप कितने तरीके से m बाई n के फॉर्म पे एक्सप्रेस कर सकते हो, यानी रो बाई कॉलम के फॉर्म पे उसको आप कितने तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हो। तो हमारे पास यहाँ पे 12 है, तो 12 को हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं 3/4 से, 4/3 से, 6 × 2 से, 6/2 से, नॉट 2 × नहीं बोलेंगे हम लोग, करेंगे जरूर इंटू, लेकिन हम लोग पढ़ेंगे बाई, ठीक है। यहाँ पे हो गया हमारा 2/6 हो सकता है, 12/1 हो सकता है, यानी 1/12 हो सकता है, यानी अगर आप इसको काउंट करो, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी 6 जो है आपके 6 पॉसिबल ऑर्डर है, यानी 6 ऑर्डर्स, ठीक है, जो 6 आपके पॉसिबल ऑर्डर जो है वो आपके 6 है, जो पॉसिबल ऑर्डर आपके हैं 6 ऑर्डर पॉसिबल्स है, ठीक है। सिमिलरली अगर हमारे पास एलिमेंट 7 है, यानी अगर हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट जो है वो 7 है, इफ नंबर ऑफ एलिमेंट इज 7, इफ नंबर ऑफ एलिमेंट इज 7, अगर आपके पास जो नंबर ऑफ एलिमेंट है वो 7 है, तो
तो कितने ऑर्डर्स के पॉसिबल है, ठीक है। तो समझने वाली बात है कि 7 को आप कितने तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हो, 7 को m बाई n के फॉर्म पे आप कैसे कैसे एक्सप्रेस कर सकते हो, तो मुझे कितने वेव से, हाउ मेनी वेव से आप 7 को एक्सप्रेस कर सकते हो m बाई n के फॉर्म पे, तो 7 बाई 1 और 1 बाई 7, यानी क्लियरली हमको दिख रहा है यहाँ पे 2, यानी 2 ऑर्डर पॉसिबल है। तो अभी हमने देखा कि हम लोग ऑर्डर से एलिमेंट को कन्वर्ट कर सकते हैं और एलिमेंट से ऑर्डर को कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ मैट्रिसेस का हम लोग का मतलब क्या होगा, मैट्रिक्स हमने समझा, मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, अरेंजमेंट हमने अभी समझा मैट्रिक्स, और मैट्रिक्स का एक सिंपल सा मतलब हो अरेंजमेंट, अरेंजमेंट ऑफ डाटा इन रेक्टेंगुलर फॉर्म, सिंपल सा डेफिनेशन हमने पढ़ा अभी, रेक्टेंगुलर फॉर्म पे जो भी हमारे पास डाटा है उसको अरेंज करना। तो अच्छा, 2-3 चीजें और हमने ध्यान देनी है, मैट्रिक्स जो एक सिंगल वर्ड है, ये जो हमारा एक सिंगल वर्ड है, लेकिन हमने क्या करना है, मैट्रिक्स को क्लासिफाई करना, यानी मैट्रिसेस को क्लासिफाई करना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, तो हमने क्या करा है, हमने 5 या 6 तरीके से हमने मैट्रिक्स को क्लासिफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा क्लासिफिकेशन है उसका नाम है हम लोग रो और कॉलम के बेसिस पर, यानी ऑन द बेसिस ऑफ रो एंड कॉलम, सबसे पहले जो हमारा क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ रो एंड कॉलम, ठीक है। तो आप देख रहे हो यहाँ पे सबसे पहले हमने करना है क्लासिफाई करा हमने रो मैट्रिक्स, सबसे पहले हमने क्लासिफाई करा रो मैट्रिक्स। तो रो मैट्रिक्स का सिंपल सी लॉजिक है, ऐसा कोई मैट्रिक्स जिसमें केवल एक रो हो उसको मैं बोल सकते हैं रो मैट्रिक्स, ठीक है। यानी सिंपल सी बात है, रो मैट्रिक्स यानी सिंपल से आप देखो यहाँ पे कि अगर m की वैल्यू 1 है, m की वैल्यू अगर 1 है, यानी केवल एक रो है, अगर हमारे पास केवल अगर नंबर ऑफ रो जो हमारे पास है, अगर नंबर ऑफ रो इज 1, अगर हमारे पास केवल एक रो है, तो हम बोल सकते हैं वो हमारा रो मैट्रिक्स है, ठीक है। कॉलम कुछ भी हो सकता है, कॉलम मैटर नहीं करता, हमने मस्ट फोकस करना है कि R1 होना चाहिए, कॉलम कुछ भी हो सकता है, हमारे कॉलम से हमने कोई मतलब नहीं है, कॉलम से हमको कोई मतलब नहीं, कॉलम कुछ भी हो सकता है। तो इस तरह का जो मैट्रिक्स होता है उसको हम बोलते हैं वो रो मैट्रिक्स है, इस तरह का जो मैट्रिक्स होता है उसको हम बोलते हैं रो मैट्रिक्स। फिर हम मूव करते हैं कॉलम पे, ठीक है। कॉलम मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, तो कॉलम, तो यहां पे देख रहे हो आप कि इफ n इज इक्वल टू 1, n यानी नंबर ऑफ कॉलम, अगर आपका नंबर ऑफ कॉलम जो है, जो भी आपका नंबर ऑफ, इफ नंबर ऑफ कॉलम इज 1, अगर नंबर ऑफ कॉलम अगर आपका 1 है, तो आप यहां पे देखो ये 1, 2, 3, तो कुछ C1 से मतलब है, रो कुछ भी हो सकता है, रो 1, 2, 3, 4, कोई मतलब नहीं है उससे, हमने बस ध्यान देना है कि अगर n की वैल्यू 1 है या नंबर ऑफ रो 1 है तो बोलेंगे रो मैट्रिक्स, अगर नंबर ऑफ कॉलम 1 है तो बोलेंगे कॉलम मैट्रिक्स। अच्छा, ये भी चांस है कि दोनों 1-1 हो, यानी इफ m इक्वल टू 1, n इक्वल टू 1, यानी नंबर ऑफ रो भी 1 हो और कॉलम भी 1 हो, यानी उसको बोलते हो सिंगल टर्म मैट्रिक्स। तो इस तरह का जो मैट्रिक्स होता है उसको बोलते हैं सिंगल टर्म मैट्रिक्स। तो आप देखो यहाँ पे सुनो, मान लेते यहाँ पे लेते हैं A, अब यहाँ पे देखो ये हमारे पास R1 भी है और ये हमारे पास C1, यानी एक रो और एक कॉलम है। तो इस तरह का जो मैट्रिक्स होता है, इस तरह के मैट्रिक्स को हम बोलते हैं सिंगलटन मैट्रिक्स, ठीक है। तो हमने हम लोग क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, मैट्रिक्स को हम कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं वो हम लोग अभी देख रहे हैं, ठीक है। अब ये देखिए नेक्स्ट जो हमारा है, इसका नाम हमारा वर्टिकल, ठीक है, वर्टिकल मैट्रिक्स। तो वर्टिकल मैट्रिक्स में हम लोग अभी देखते हैं, ठीक है, वर्टिकल मैट्रिक्स। देखिए वर्टिकल का मतलब क्या होता है, सबसे पहले वर्टिकल का समझते हैं, वर्टिकल का मतलब क्या होता है। तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि इफ m इज ग्रेटर देन n, इफ m इज ग्रेटर देन n, m का मतलब आपको पता है दैट इज नंबर ऑफ रो, अगर आपका नंबर ऑफ रो बड़ा है नंबर ऑफ कॉलम से, तो उसको हम बोलते हैं वर्टिकल मैट्रिक्स। समझते हैं कैसे, हम लोग क्या करते हैं, और दूसरा जो हमारा है यहाँ पे दिख रहा है आपने हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, ठीक है, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, मैट्रिक्स को हम लोग हो गया हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। तो हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स क्लियर है, उसमें आपको दिख रहा होगा यहाँ पे हमने लिखा होगा n जो है वो बड़ा है m से, यानी जो वहां पे n जो है वो बड़ा है m से, n यानी ऑब्वियस है नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम जो है वो नंबर ऑफ रो से हमारा बड़ा है, ठीक है। चलिए तो हम लोग क्या करते हैं, तो हॉरिजॉन्टल, देखो हॉरिजॉन्टल का जब हम लोग हॉरिजॉन्टल सुनते हैं तो दिमाग में क्या आता है इस प्रकार का, जब हम लोग वर्टिकल सुनते हैं तो मेरे दिमाग में ये आता है कि भाई ये होता है वर्टिकल और ये होता है हमारा हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, अपने से कुछ रैंडम नंबर लेते हैं,
चलिए ध्यान से समझते हैं। अब इस वाले में देखो आप, यहाँ पे रो कितने, आर वन हो गया, ये आर टू हो गया, ये हो गया हमारा आर थ्री, और ये हो गया हमारा आर फोर, और हमारे पास यहाँ पे दो कॉलम है सी वन और हमारे पास सी टू है। तो आप देख रहे हो यहाँ पे कि नंबर ऑफ रो जो है वो ग्रेटर है, किससे ग्रेटर है, किससे ग्रेटर है, नंबर ऑफ कॉलम से ग्रेटर है। यहाँ पे नंबर ऑफ रो अगर देखा जाए तो नंबर ऑफ रो हमारे पास चार है और ये हमारे पास जो नंबर ऑफ कॉलम है केवल दो है। तो यहाँ अच्छा, अब दूसरी बात देखो, अब ये वर्टिकल ज्यादा है तो इसीलिए इसको हम बोलते हैं वर्टिकल मैट्रिक्स। ठीक है, अब हमने समझ लिया हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। तो ऑब्वियस है कि ये वाला जो पोर्शन होगा वो ज्यादा होगा। ठीक है, वो हम लोग करके देखते हैं। वन टू थ्री हो गया, फोर फाइव सिक्स हो गया। अब इधर देखो ध्यान से, अब यहाँ पे देखते हम लोग, यहाँ पे आर वन है और ये हमारे पास हो गया आर टू, यानी दो रो है, लेकिन यहाँ पे कॉलम देखो आप सी वन है, सी टू है और ये हो गया हमारा सी थ्री। तो आप देख रहे हो यहाँ पे कि ये जो पोर्शन है वो ज्यादा है, यानी कॉलम जो है वो ज्यादा है, यानी नंबर ऑफ कॉलम अगर ज्यादा है नंबर ऑफ रो से तो उसको हमें बोलते हैं हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। तो हमने अभी देखा कि सबसे पहले हमने देखा रो मैट्रिक्स क्या होता है, अगर नंबर ऑफ रो वन है तो बोलेंगे रो मैट्रिक्स, नंबर ऑफ कॉलम अगर वन है तो बोलेंगे कॉलम मैट्रिक्स, अगर नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम दोनों वन वन है तो बोलेंगे सिंगलटन मैट्रिक्स, अगर नंबर ऑफ रो अगर ज्यादा है तो बोलेंगे वर्टिकल मैट्रिक्स, नंबर ऑफ कॉलम अगर कम है तो बोलेंगे हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। ठीक है, तो यहां तक क्लियर होना चाहिए, उम्मीद है आप सबको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब हम लोग मूव करना है, नेक्स्ट पे मूव करना है जिसका नाम है स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक, स्क्वायर मैट्रिक्स पे हम लोग मूव करेंगे। स्क्वायर मैट्रिक्स जो है हमने काफी डिटेल में स्टडी करनी होगी, अब यहां से जो है हमने ज्यादा फोकस करना होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स से हमको ज्यादा फोकस करना होगा, तो हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स को हम लोग डिटेल में बात करेंगे अभी। ठीक है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स हम लोग जानते हैं कि अगर हमारा नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम अगर बराबर है, तो आप देखो यहाँ पे, यहाँ पे दो रो है और दो कॉलम है, अगर नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम बराबर है तो उसको बोलते हैं हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स। आप यहाँ भी देखो, यहाँ पे तीन रो है और तीन कॉलम है। ठीक है, हम लोग उसको थोड़ा सा इलेबरेट करके दिखाते हैं आपको। देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स यानी सिंपल सी बात है, अगर एम जो है और एन अगर आपका बराबर है, ठीक है, तो अगर यानी नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम, देखिए m यानी नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम, तो अपने से आप ले लेते कुछ भी वन टू थ्री ए बी सी डी ई एफ। ठीक है, तो अगर हमारे बराबर है नंबर ऑफ रो, आप देखो यहाँ पे आर वन हो गया, आर टू और ये हो गया हमारा आर थ्री, इधर हो गया हमारा सी वन, ये हो गया हमारा सी टू और ये हो गया हमारा सी थ्री। अब देखो यहाँ पे इसका ऑर्डर है थ्री बाई थ्री, यानी बराबर स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स सिंपल सा लॉजिक है, अगर नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम बराबर है तो हम लोग, अच्छा यहाँ पे आपको दिमाग में आ रहा होगा, थोड़ी देर पहले मैं सिंगलटन मैट्रिक्स पढ़ा, सिंगलटन मैट्रिक्स हमने थोड़ी देर पहले देखा था, तो सिंगलटन मैट्रिक्स में था कि दोनों सेम था, वहां पे दोनों सेम था, तो हम बोल सकते कि सिंगलटन मैट्रिक्स इज अ स्पेशल केस ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, क्योंकि यहां पर अगर देखा जाए तो एम और एन बराबर था, वो अलग बात है कि एक के बराबर है, लेकिन यहां सबसे इंपॉर्टेंट बराबर तो है, नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम तो बराबर तो है, तो हम बोल सकते हैं कि जो सिंगलटन मैट्रिक्स है इसको हम बोल सकते हैं कि ये स्पेशल केस है। स्पेशल केस है किसका, स्पेशल केस हो सकता है स्क्वायर मैट्रिक्स का, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे, ये लॉजिक बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे कि जो हमारा सिंगलटन मैट्रिक्स है वो एक स्पेशल केस है स्क्वायर मैट्रिक्स का। तो हमने स्क्वायर मैट्रिक्स समझा, स्क्वायर मैट्रिक्स को यहाँ पे आपने दिख रहा होगा, हमने इसको दो पार्ट में डिवाइड करा हुआ है, एक डायगोनल मैट्रिक्स होता है, एक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता है, फिर डायगोनल मैट्रिक्स को हमने दो भागों में डिवाइड करा हुआ है, एक स्केलर मैट्रिक्स फिर एक यूनिट मैट्रिक्स, फिर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को हमने दो भागों में डिवाइड करा हुआ है, एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स फिर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। हम लोग क्या करेंगे, मतलब वन बाई वन करके सारे के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे, डीप स्टडी करेंगे, अभी हम लोग बेसिक्स कर रहे हैं, फिर उसके बाद हमें क्या करना है कि हम लोग फिर से क्लासिफाई करेंगे मल्टीप्लीकेशन के बेसिस पर, हम लोग मैट्रिक्स को फिर से क्लासिफाई करेंगे मल्टीप्लिकेशन के बेसिस पर। अब इसमें कौन कौन सा क्लासिफिकेशन आएगा, सबसे पहले आएगा आइडियमपोटेंट मैट्रिक्स, नीलोपोटेंट मैट्रिक्स, पीरियोडिक मैट्रिक्स, इन्वॉल्यूटरी मैट्रिक्स, कम्यूटेटिव मैट्रिक्स, एंटी कम्यूटेटिव मैट्रिसेस। उसके बाद हम लोग करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसपोज, इन ट्रांसपोज के बेसिस पर हम लोग फिर मैट्रिक्स को क्लासिफाई करेंगे, उसमें हमारा मिलेगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। फिर उसके बाद हम लोग क्लासिफाई करेंगे डिटरमिनेंट के आधार पे, डिटरमिनेंट के बेसिस पे हम लोग क्लासिफाई करेंगे मैट्रिसेस को, तो एक होता सिंगुलर मैट्रिक्स, दूसरा होता नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। फिर हम लोग कंजुगेट के बेसिस पर, यानी कंजुगेट के आधार पे फिर हम क्लासिफाई करेंगे, एक मिलेगा आपको कंजुगेट ट्रांसपोज मैट्रिक्स, फिर मिलेगा आपको हर्मिशन मैट्रिक्स, स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स, और फिर आपको यूनिटरी मैट्रिक्स मिलेगा, और एट लास्ट हम लोग स्पेशल मैट्रिसेस के बारे में बात करेंगे।
ठीक है। तो हमारे ये हम लोग क्या करेंगे, वन बाई वन डीप स्टडी करेंगे सबके बारे में, हम लोग काफी डिटेल में स्टडी करेंगे, वन बाई वन डिटेल में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हमने स्क्वायर मैट्रिक्स पे फोकस करना है, स्क्वायर मैट्रिक्स को हम डिटेल में स्टडी करेंगे, फिर हम लोग आगे मूव करेंगे। तो हमने यहाँ पे देखा कि स्क्वायर मैट्रिक्स यानी सिंपल सा लॉजिक है, एम और एन बराबर, यानी नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम अगर बराबर है तो हम लोग उसको बोल सकते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। सिंगल्टन मैट्रिक्स भी क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, मूव करते हैं। अभी हमने इस पे फोकस करना है, इस पे हम फोकस करके वन बाई वन नीचे की तरफ आएंगे, ठीक है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स तो समझ आ गई होगी बात, ठीक है। अब हमको क्या देखना है कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है स्क्वायर मैट्रिक्स का, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स जो भी हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, मतलब इसको हम लोग कैसे एक्सप्रेस करते हैं, स्टैंडर्डली कैसे इसको हम लोग एक्सप्रेस करते हैं, तो हमको उस पर अभी फोकस करना है, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स तो पता है सबको, कैसे मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं, मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं, मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। तो अभी हमें ध्यान देना है यानी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी जो भी स्क्वायर मैट्रिक्स अवेलेबल हमारे पास उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है। तो हम लोग जानते हैं सबसे पहले ये हमारा हो गया पैरेंथेसिस, यहां पे हम लोग लिखते हैं ऑर्डर, तो ऑर्डर हम लोग ले लेते हैं 3/3 का। तो अच्छा मान लो हमारे पास ऑर्डर नहीं पता, तो हम लोग ले लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर एम बाई एन का, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, रो और कॉलम सेम होने चाहिए, ये हमारा कंडीशन, ठीक है। तो लेकिन हम लोग यहां पे क्या करते हैं, A11, A12, A13, ये हो गया हमारा A21, A22, ये हो गया हमारा A23, इधर हो गया हमारा A31, A32, A33, देखो ये हमारा अब ये बन गया हमारा 3/3 का, ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी है, क्योंकि आप देखो ध्यान से यहां पे नंबर ऑफ रो 3 है, नंबर ऑफ कॉलम भी हमारा 3 है, तो ये हमारा कौन सा मैट्रिक्स है, हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। अब आपको ध्यान देने वाली बातें क्या क्या है, ठीक है। तो हम लोग देखो दो तीन चीज जानते हैं पहले कि ये हमारा, पहले सबसे पहले समझते हैं थोड़ा, ये होता है हमारा स्क्वायर, हम लोग जानते हैं कि ये होता है स्क्वायर। अब सबसे पहले समझते हैं स्क्वायर क्या होता है, ठीक है। तो स्क्वायर जो है एक स्पेशल केस है रेक्टेंगल का, स्क्वायर जो होता है एक स्पेशल केस है, किसका स्पेशल केस हो सकता है, रेक्टेंगल का, सबसे पहली बात। तो स्क्वायर इज अ स्पेशल केस ऑफ रेक्टेंगल इन विच लेंथ इज इक्वल टू ब्रेथ, जिसमें लेंथ और ब्रेथ बराबर होता है। तो अच्छा रेक्टेंगल है चाहे स्क्वायर हो, दो डायगोनल्स हो सकते हैं, एक ये डायगोनल होता है और एक ये डायगोनल होता है। हम लोग जानते हैं स्क्वायर, समझते हैं स्क्वायर क्या होता है, बराबर होता है, लेंथ और ब्रेथ बराबर है। तो यहां भी देखो आप, यानी आर और सी बराबर है, आर और सी आपका बराबर है, तो कुछ खास नहीं है, सब सब रिलेटेड है कहीं ना कहीं, सब आपस में सारी चीजें रिलेटेड है। तो हम लोग उसको ऐसे बोल सकते हैं कि एम और एन बराबर है, आर और सी बराबर, यानी एम और एन बराबर है, तो ये हो गया हमारा स्क्वायर। अब स्क्वायर में दो डायगोनल्स होते हैं, ठीक है। तो हमको समझना है क्या कि कौन से डायगोनल्स को लेंगे हम लोग, तो इस पे आप ध्यान दो थोड़ा, हम आपको इस वाले पे ध्यान देना है। अब देखो ध्यान से, ये आई होता है जे, आई जे, आई और जे, अब इस वाले पे फोकस करो कि आई और जे जो है बराबर है, इस वाले में देखो तो आई और जे जो है बराबर है, तो इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल, ये वाला जो है इसको हम लोग बोलेंगे प्रिंसिपल डायगोनल। आप इसको प्रिंसिपल डायगोनल के अलावा इसको आप लीडिंग डायगोनल ही बोल सकते हो, प्रिंसिपल डायगोनल के अलावा आप इसको लीडिंग डायगोनल भी आप इसको बोल सकते हैं। अच्छा इसके अंदर जो भी एलिमेंट्स हैं हमारे पास, जो भी यहाँ पे एलिमेंट्स आपको दिख रहे होंगे, A11 हो गया, A22 हो गया और ये हो गया हमारा A33, इसको हम बोलते हैं डी एलिमेंट्स, इसको हम बोलते हैं डी एलिमेंट्स। डी एलिमेंट का मतलब क्लियर है, डायगोनल एलिमेंट्स, ठीक है। अच्छा अभी देखो यहाँ पे, ये यहाँ पे ट्रायंगल का फंक्शन हो रहा है, ट्रायंगल का फंक्शन का लॉजिक क्या होता है वो समझते हैं। देखिए एक मन में और प्रश्न आता है, एक और क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि हमने केवल इसी को क्यों लिया, इसी को क्यों लिया, इसको क्यों नहीं लिया, क्योंकि इसमें हमारा कंडीशन मिल रहा है, इसमें हमको आई और जे बराबर मिल रहा है। अगर आप उसकी बात करो, देखो यहाँ पे A31 है, A22 और A13 है, मतलब कोई भी स्पेसिफिक रिलेशन इसमें नहीं मिल रहा है, इसीलिए हम लोग इसको कंसिडर नहीं करते, हम लोग हमेशा इसको कंसिडर करेंगे, वो ध्यान देने वाली बात है। अभी तो देखो अच्छा, तो हमको ये हमारे पास, मान लीजिए हमारे पास हो गया स्क्वायर, तो हमने इसको कंसिडर करा हुआ है, ठीक है।
अगर तो हम लोग जानते हैं जो डायगोनल होता है पूरे स्क्वायर को टू ट्राइंगल्स में डिवाइड कर देता है। देखो ध्यान से, दो ट्राइंगल्स बन चुके हैं तो इसको हम बोल सकते हैं अपर ट्राइंगल, इसको हम बोल देते हैं लोअर ट्राइंगल, बोल सकते हैं उसको, इसको हम बोलते हैं अपर ट्राइंगल और इस नीचे वाले को हम बोल देते हैं लोअर ट्राइंगल। जो हमारा पूरा जो था स्क्वायर था उसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर लिया, एक अपर ट्राइंगल के में और एक उसको हम लोग लोअर ट्राइंगल में डिवाइड कर लिया। ठीक है, हम लोग समझते हैं। अब इस वाले का देखो, लोअर ट्राइंगल पे देखो और फिर आपने अपर ट्राइंगल पर फोकस करना, आपने दो ट्राइंगल पर फोकस करना है, अपर ट्राइंगल पर फोकस करना है और एक लोअर ट्राइंगल पर फोकस करना है। ठीक है, तो देखते हैं यहां पर। अब इस वाले पे देखो ध्यान से, अब इस वाले पे अगर आप ध्यान से देखो तो आपका 2 1 3 1 3 2, लेकिन देखो ध्यान से आई जो है वो बड़ा है जे से। इस वाले में आप देखो ध्यान से, यहां जो जे है वो बड़ा है आई से। ठीक है, आपने ध्यान देना है, यहाँ पे जो आई है वो बड़ा है जे से और यहाँ जो है आपका जे है वो बड़ा है आई से। तो कोई पूछ तो हम लोग सिंपल से लॉजिक है, लोअर ट्रायंगल का लॉजिक यहाँ पे क्या हो रहा है, लोअर ट्रायंगल यानी आई जो है बड़ा है जे से और अपर ट्रायंगल यानी जो जे जो है वो बड़ा है आपने आई से। तो यह होता है हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, हमने क्या करना है, स्क्वायर मैट्रिक्स को हमने दो पार्ट में डिवाइड करा लिया, एक होता हमने डायगोनल मैट्रिक्स, एक होता हमारा डायगोनल मैट्रिक्स और एक होता हमारा यूनिट ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स और ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, और डायगोनल मैट्रिक्स को हम लोग जानते हैं, हमने इसको दो पार्ट में डिवाइड करा है, एक स्केलर मैट्रिक्स होता है और दूसरा होता है यूनिट मैट्रिक्स, और इसको भी हम लोग तो दो पार्ट में डिवाइड करा हमने, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और इसको हमने बात करा कि क्लासिफाई करा हुआ है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, तो इसके बाद जो है हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स से जो हम लोग अगले वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे, अगले वीडियो में आगे मूव करेंगे। ठीक है, तब तक आप यहां तक जो भी कॉन्सेप्ट है, जो भी डाउट है, आप उसको कमेंट बॉक्स में आप लिखो, हम उसका जो भी प्रॉब्लम्स आएंगे उसको हम आपको दूर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।